डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। होप यू आर सेफ एंड हेल्दी इनडोर्स। इन द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, द चैप्टर नेम इज डिमांड। वी हैव डन द मीनिंग ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड एंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, कि इंडिविजुअल डिमांड्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल कॉन्टिन्यू, दिस इज द पार्ट टू ऑफ चैप्टर डिमांड। इन दिस वीडियो वी विल कॉन्टिन्यू दिस चैप्टर एंड वी विल डू डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो मार्केट डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यस लिसन मी केयरफुली, मार्केट डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड ऑल्सो लुक एट द स्क्रीन। मार्केट डिमांड इन्फ्लुएंस, मार्केट डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड्स, उन सभी फैक्टर का जो इंडिविजुअल डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं फॉर अ कमोडिटी। इन एडिशन, इसके साथ साथ मार्केट डिमांड को कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं। इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स, इन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स भी मार्केट डिमांड को क्या करते हैं, इनका भी मार्केट डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट वन इज द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज अफेक्टेड, मार्केट डिमांड पे किससे इफेक्ट होती है, बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री, कि उस कंट्री में पॉपुलेशन का साइज कैसा है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, रेज द मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। वाइल डिक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस द मार्केट डिमांड, तो मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन मीन्स रेशियो ऑफ मेल्स, फीमेल्स, चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल इन द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में मेल्स का, फीमेल्स का, चिल्ड्रन का एंड ओल्ड पीपल का क्या रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मार्केट डिमांड हैज लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन, अगर मार्केट डिमांड में वुमेन का लार्ज प्रोपोर्शन है, देन देयर विल बी मोर डिमांड, तो उन चीजों की ज्यादा डिमांड होगी फॉर उन आर्टिकल्स की ऑफ देयर यूज, सच एज जो उनको वुमेन्स यूज करती हैं, जिनको वुमेन्स यूज करती हैं, सच एज लिपस्टिक, साड़ी, इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सीजन्स एंड वेदर, द सीजनल एंड वेदर कंडीशन ऑल्सो इफेक्ट द मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग विंटर डिमांड फॉर वुडन क्लॉथिस एंड जैकेट्स इंक्रीज, वेयर एज मार्केट डिमांड फॉर रेनकोट्स एंड अम्ब्रेला विल बी डिक्रीज इन विच सीजन, रेनी सीजन, उनकी डिमांड कब बढ़ जाएगी, रेनी सीजन में। सो मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द सीजन एंड द वेदर। नाउ थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, की इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कंट्री में, वो भी मार्केट डिमांड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इफ द इनकम इन द कंट्री इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर सबकी इनकम इक्वल है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देन मार्केट डिमांड क्या होगी, विल बी मोर। हाउएवर द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइवन है, पीपल आर इधर वेरी रिच, या तो लोग बहुत ज्यादा रिच है और वेरी पुअर, देन मार्केट डिमांड विल बी रिमेन एट लोअर लेवल, तो मार्केट डिमांड लोअर लेवल पर ही रहेगी। नेक्स्ट वन इज द डिमांड फंक्शंस, डिमांड फंक्शन, व्हाट इज डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप, किसके रिलेशनशिप को शो करता है, क्वांटिटी डिमांड फॉर ए पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी कमोडिटी की डिमांड एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंस, जो उनको फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके रिलेशन को शो करता है। डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप, कौन से रिलेशनशिप को शो करता है, बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, किसी कमोडिटी की डिमांड को और कौन कौन से फैक्टर उसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन किसको रेफर करता है, रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, ये किसका फंक्शनल रिलेशनशिप है, क्लियर बाय इट्स नेम, इंडिविजुअल डिमांड के बीच में और जो जो फैक्टर इंडिविजुअल डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं उसके रिलेशन को, इज कॉल्ड द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड इक्वल टू, ये किसका फंक्शन है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस का, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का, इनकम का, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का एंड एक्सपेक्टेशन का। एक इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इन द लास्ट वीडियो वी हैव डन, हमने इन सब की डिटेल की है, कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशन इन द फ्यूचर, ये सभी क्या करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सो इंडिविजुअल डिमांड डी इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड एक्सपेक्टेशन इन द फ्यूचर। नाउ मार्केट डिमांड, एज क्लियर बाय इट्स नेम, मार्केट डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन किसको रेफर करता है, ये भी फंक्शनल रिलेशनशिप है, किसका फंक्शनल रिलेशनशिप है, मार्केट डिमांड का एंड फैक्टर अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड, जो मार्केट डिमांड को फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो मार्केट डिमांड में आएंगे। इसके साथ साथ थ्री फैक्टर्स हम और ऐड करेंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये इफेक्ट करता है, सेकंड वन इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
income of the consumer, taste and preference of the consumer and expectations. Now size and composition of the population. S means seasonal and weather. Season and weather. And now distribution of income. So these are the factors जो किसको इफेक्ट करते हैं, मार्केट डिमांड को इफेक्ट करते हैं. इनके फंक्शनल रिलेशनशिप, द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ दिस फैक्टर इज कॉल्ड द मार्केट डिमांड फंक्शन. नाउ नेक्स्ट इज द डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल मीन्स अ टेबुलर प्रेजेंटेशन. जब हम डिमांड को, वेन वी शो द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, जब हम क्वांटिटी डिमांड को और उसके प्राइस को इन अ शेड्यूल, इन अ टेबल, एक टेबल में शो करेंगे, देन दिस इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल. जो डिमांड कर्व है दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो डिमांड शेड्यूल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. बट शेड्यूल क्या है, ये टेबुलर प्रेजेंटेशन है. डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट है. टेबुलर मीन्स टेबल में, कि टेबल में इसको शो किया जाता है. शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, ये वेरियस क्वांटिटी को बीइंग डिमांडेड, जो हम डिमांड करते हैं एट वेरियस प्राइस ऑफ लेवल में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको शो करता है. डिमांड शेड्यूल क्या शो करता है, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर, की टेबल में ये एक स्टेटमेंट है जो प्रेजेंट की जाती है. शोइंग, जो शो करता है क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी को, बीइंग डिमांडेड, जिनकी हम डिमांड करेंगे एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस में, प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में. यस अगेन लिसन, व्हाट डू मीन बाय डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी बीइंग डिमांडेड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द कमोडिटी. इट्स क्वांटिटी डिमांड. अ डिमांड शेड्यूल कैन बी डिटरमाइन फॉर बोथ, फॉर इंडिविजुअल बायर्स, इंडिविजुअल बायर्स के लिए भी इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, फॉर द एंटायर मार्केट के लिए भी. सो डिमांड शेड्यूल इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. ये भी टू टाइप्स का है. फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड वन इज द मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसको रेफर करेगा, रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट. ये टेबुलर स्टेटमेंट है जो क्या शो करता है, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल ऑफ द प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में. वेरियस लेवल ऑफ प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उसको परचेज करने के लिए क्या है, विलिंग भी है और एबल भी है. सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी. यस, शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. लुक एट द स्क्रीन, दिस इज द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. वी हैव टू शो इन टेबल, हमने टेबल में शो किया है, दिस वन इज द प्राइस एंड दिस वन इज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स. वी नो देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी. वेन द प्राइस राइज क्वांटिटी डिमांड फॉल, एंड वेन द प्राइस फॉल देन द क्वांटिटी डिमांड राइज. प्राइस कितना है, 5. एक पर्सन है, उसकी डिमांड कितनी है, 5 प्राइस पे वो कितनी आइसक्रीम बाय करता है, 1. जब उसका प्राइस 4 हो जाएगा, कि प्राइस फॉल हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. 3 पे कितनी परचेज करेगा, 3. एट प्राइस 2 क्वांटिटी डिमांड इज 4. एट प्राइस 1 क्वांटिटी डिमांड इज 5. कि जैसे जैसे प्राइस फॉल कम होता जाएगा, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. प्राइस 5, 4, 3, 2, 1 एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज 1, 2, 3, 4, 5. नाउ मार्केट डिमांड शेड्यूल. वी नो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसको रेफर करता है, टेबुलर स्टेटमेंट को जो शो करता है वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में अ कंज्यूमर आएगा, बट मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या आएगा, ऑल कंज्यूमर्स, क्योंकि मार्केट में सभी कंज्यूमर्स हैं. ए कंज्यूमर भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है. आर विलिंग टू बाय, जो ए विलिंग है उसको खरीदने के लिए एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में. सो मार्केट डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर, सभी कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय, विलिंग है एट वेरियस, विलिंग टू बाय उसको खरीदने के लिए विलिंग है एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज मार्केट डिमांड शेड्यूल. इन मार्केट देर इज ए कंज्यूमर, एक कंज्यूमर भी है, बी भी है. प्राइस ऑफ आइसक्रीम आर गिवन, आइसक्रीम प्राइस 1, 2, 3, 4 एंड द ए डिमांड, ए की डिमांड कितनी है 1 रुपीज पर, ए की डिमांड कितनी थी 4, बी की कितनी थी 5. सो मार्केट डिमांड, मार्केट में ए कंज्यूमर भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है. जब हम इन सबके डिमांड को एड करेंगे देंगे तो देन वी विल गेट द मार्केट डिमांड. 4 + 5 = 9. एट प्राइस 2 एज डिमांड,
3, B's demand 4, and total market demand equal to 7. At price 3, A's demand 2, B's demand 3, and the total demand equal to 5. At price 4, A's demand 1, B's demand 2, and market demand is 3. So this is the market demand schedule. Market demand schedule refers to the tabular statement. Individual demand schedule bhi ki hai, tabular statement hai. Showing various quantities of a commodity. ये किसको show करता है? Various quantities of a commodity को. That all consumer. Market में all consumer आते हैं, but individual demand में that a consumer. All consumers are willing to buy at various level of price during a given period of time. This is called the market demand schedule.